बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेक्चर टू, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बायोलॉजी, ग्रेड 10th। सो द फर्स्ट SLO दैट इज एग्जाम्पलीफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन लेक्चर 1। सो दिस इज लेक्चर 2 एंड वी विल बिगिन बाय टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन से शुरू करेंगे और हमारा दूसरा जो SLO है इस चैप्टर का वो हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। सो द 12.2.1 SLO जिसमें हमें डिफरेंस मालूम करनी है, डिफरेंस देखनी है कोऑर्डिनेशन, जो दो तरह की कोऑर्डिनेशन हैं, एक तो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इनमें डिफरेंस देखना है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं न्यूरॉन कैसा दिखता है। सो न्यूरॉन इज बेसिकली अ सेल, ठीक है, वो एक सेल है, जैसे आम सेल्स होते हैं इसी तरह नर्वस जो सिस्टम है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। सो एज यू नो दैट कोऑर्डिनेशन दो तरह की हैं, एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। सो डिफाइन न्यूरॉन ये इस SLO का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चूंकि इस SLO में हमें डिफरेंस देखना है नर्वस और हार्मोनल का, तो हमें न्यूरॉन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। खैर, न्यूरॉन की डेफिनेशन हम लेटर SLOs में भी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड हम जो है थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बेसिकली इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसका फंडामेंटल यूनिट है, बुनियादी। सो न्यूरॉन मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो न्यूरॉन इज बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट। जैसे किसी भी बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, ब्लॉक्स से अगर वो बिल्डिंग बनी हुई है तो हम कहेंगे ब्लॉक्स आर बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ दैट बिल्डिंग। तो इसी तरह जो नर्वस सिस्टम हमारा जो बनता है वो बनता है न्यूरॉन्स से, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो न्यूरॉन्स है। सो ये न्यूरॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने और साथ में सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है उसको इंटरप्रीट करने के लिए, और उसके अलावा जो नेसेसरी रिस्पॉन्स होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ को टच करते हैं, यू फील दैट कि वो चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, हाउ यू नो दैट, जब आप टच करते हैं सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को और ब्रेन इंटरप्रेट करता है और आपके हाथों के मसल्स को क्या करता है, एक मैसेज भेजता है कि वो सॉफ्ट है और हार्ड है। तो ये सारा जो इंटरप्रिटेशन है वो कहाँ हो रहा होता है, ये ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड है जो कि हमें थोड़ा बहुत इस हवाले से भी हमें आगाही चाहिए, जो कि डिफाइन हार्मोन है। सो व्हाट इज़ हार्मोन, आपको बस इतना ही याद रखना है कि हार्मोन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इनमें मैसेज होता है, ठीक है। तो ये इतना ही आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि मैसेज इनके अंदर जो है एक मैसेज होता है, और क्या मैसेज होता है, कैसे ये मैसेज डिलीवर करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे जितने भी SLOs हैं उनमें हॉर्मोन्स के हवाले से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको एट दिस पॉइंट यू शुड नो कि हॉर्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी, दैट्स इट। सो केमिकल सब्सटेंस एंड मैसेंजर मॉलिक्यूल, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, तो इसमें न्यूरॉन्स की एक्टिविटी शामिल है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सेक्रेटरी सेल्स हैं, सेक्रेटरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स सेक्रेट करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि सिग्नल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सिग्नल टाइप होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी पोटेंशियल्स की बात करते हैं जो कि आप आने वाले ग्रेड्स में, ग्रेड 12th में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ये जो पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ग्रेड 10th लेवल के मुताबिक ये पॉइंट्स हैं, और आप इनको डिटेल में ग्रेड 12th में पढ़ेंगे और ऑनवर्ड्स जितने भी आपके आगे के क्लासेस होते हैं। सो फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि सिग्नल टाइप इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल।
सिग्नल टाइप इसमें प्योरली केमिकल होता है, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हॉर्मोन्स जो हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और हॉर्मोन्स के हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है कि जो है उसकी वो बेसिकली एक केमिकल है, ठीक है, जिसके अंदर एक मैसेज होता है, तो यह सिग्नल टाइप इसमें केमिकल होता है। और जहाँ तक नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात है, ये रैपिड इन एक्शन होते हैं, ये फास्ट होता है ये एक्शन, जैसे कि आप किसी चीज़ को टच करते हैं आपको एकदम ही जो है फील होता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो एक्शन होता है वो स्लोअर होता है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, उसमें जो दौरानिया होता है, जो टाइम होता है रिस्पॉन्स का, वो बहुत कम होता है। जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाने में जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप किसी चीज़ को आप टच करते हैं, तो टच करने के फौरन बाद आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब आपको फील आती है, आपको एहसास होता है कि वो सॉफ्ट चीज़ है या हार्ड चीज़ है, तो वो आपको पता लगता है। तो ये जो पता लगने का जो अमल है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत कम होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गए, तो ग्रोथ हॉर्मोन्स तो आपके तकरीबन 18-22 ईयर्स तक ये हॉर्मोन्स काम करते रहते हैं, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन रिस्पॉन्स जो है लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये एक एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रिमिटिव है, ये एक बेसिक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है। एंड सिक्स पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। और सेवन्थ पॉइंट इज इन्वॉल्व्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं। सो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? बेसिकली दीज आर केमिकल्स, राइट? सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो होता है गैप, उस गैप में ये केमिकल्स एक न्यूरॉन से क्या होते हैं सेक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें आपको जो ये नज़र आ रही है ये दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक स्पेस है ये माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रो गैप्स होती हैं जो कि साइनेप्स कहलाता है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक जगह है ये माइक्रो गैप है, और इस गैप को हम साइनेप्स का नाम देते हैं। और इस गैप से जो है न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो इस साइनेप्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ फिजिकली लिंक्ड नहीं होते हैं, बल्कि माइक्रो लेवल पे छोटी छोटी जो है उसमें गैप्स पाए जाते हैं। और इस गैप्स में क्या रिलीज़ करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स आप बस इतने समझें कि ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का किरदार होता है। ये आपको जो एनिमेशन नज़र आ रही है, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इस न्यूरॉन से क्या निकल रहे हैं? इस न्यूरॉन से कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और ये जाके दूसरे न्यूरॉन से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जब दूसरे न्यूरॉन से अटैच होंगे तो फिर वो जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हॉर्मोन्स, इसमें हॉर्मोन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। और हॉर्मोन्स हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर बेसिकली एक मैसेज होता है, और इस हवाले से हम जो है डिटेल में हम आगे के स्लोज में पढ़ेंगे। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो डिफरेंस है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आपने जो है एग्ज़ाम में एक दो, ये तो बहुत छोटी बहुत स्मॉल पॉइंट्स हैं, आपने कोई एक से दो लाइंस तो लिखनी है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स को आपने थोड़ा बहुत इसको ब्रीफली बयान भी करना है कि एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, रैपिड इन एक्शन है तो रैपिड इन एक्शन कैसे है, रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन, ये थोड़ा एक से डेढ़ लाइन में आपने ये थोड़ा बयान भी करना। अब इतना बहुत कम लिखेंगे तो इसमें मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, तो अगर आप इस बात को, इस पॉइंट को, रैपिड इन एक्शन को अगर आप एक से डेढ़ लाइन में अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो रैपिड इन एक्शन लिख के अगर आप स्किप करते हैं, आप छोड़ते हैं, तो फिर
उसमें मार्क्स डिडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप रैपिड इन एक्शन लिखते हैं हेडिंग में और उससे मुतल्लिक आप लिखते हैं कि कैसे रैपिड इन एक्शन है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक थोड़ा जो है, जैसे मैं अब बात कर रहा था कि एक स्मॉल पॉइंट लिख के या तीन चार वर्ड्स पे मुश्तमिल कोई एक पॉइंट एक सेंटेंस लिख के छोड़ना इज़ नॉट अ गुड रिस्पांस, तो इस तरह आपने बेसिकली रिस्पांस देना होता है। जब भी आपसे पूछें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस, तो फिर आपको एक स्पेस गिवन होता है और मिसाल के तौर पर अगर आपको तीन पॉइंट्स लिखने हैं तो आप ऐसे ही आपको लिखना है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ structure and function. In addition, neuroglial cells are also present, which provide nutrition and protection to neurons. And second point, this has immediate effect or show response to stimulus instantly. तो इस तरह आपको लिखना है। आई होप कि आपको जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है दोनों समझ आ चुका होगा। Identify main organs responsible for coordination and control. This is second SLO 12.2.2 understanding level SLO है। तो इसमें आपको organs जो है identify करने हैं कि कौन से organs जो है coordination and control के लिए responsible हैं। तो nervous coordination की बात करें तो हमारे पास brain है, spinal cord है, neurons हैं। तो ये तीन जो है major organs हैं जो कि responsible हैं coordination and control के लिए। और specifically coordination की आपको पता है दो types हैं, एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये तीन मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड नेक्स्ट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो उसमें ग्लैंड्स जो है अपना किरदार अदा करते हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स, राइट ग्लैंड्स जो कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, ग्लैंड्स प्ले मेजर एंड वाइटल रोल इन द कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये तीन हो गए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड etc. So the next slow is so talking about stimulus, right? Stimulus kya hota hai? Stimulus are factors that can bring about certain responses in living organism. Living organism के अंदर response लेके आती है वो stimulus है। Stimulus कोई भी हो सकता है, वो सर्दी की शक्ल में हो सकता है, वो गर्मी की शक्ल में हो सकता है, वो light की शक्ल में हो सकता है। तो stimulus कोई भी होता है, ठीक है, जो कि body के अंदर responses लेके आता है। और हम further इस हवाले से detail में एक example के साथ आगे discuss करेंगे। And receptors क्या होते हैं? Receptors बेसिकली कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जो स्टिमुलस है मिसाल के तौर पे अगर कोल्ड है, हॉट है, लाइट है, जो भी है, ठीक है, जिस तरह का भी स्टिमुलस है, इवन साउंड वेव्स वो भी स्टिमुलस है, ठीक है। तो साउंड वेव्स हो गए, लाइट है और हॉट है, कोल्ड है, ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर स्टिमुलस। And then talking about central nervous system. तो central nervous system क्या है? In nervous coordination, brain and spinal cord are coordinators, ठीक है, और they receive information and send messages through neurons in the form of nerve impulse. तो central nervous system में दो हमारे पास main organs हैं, brain and spinal cord, ठीक है। Brain और spinal cord जो है these are basically the central nervous system. जब भी हम central nervous system बोलें तो फिर आपको बस ये ख्याल आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और ब्रेन और स्पाइनल कोड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है या इनको जो है कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहा जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहा जाता है। इफेक्टर्स की बात करें तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ये जो है कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके या रिलैक्स होके रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो एग्जांपल से हम ये वाज़ा करेंगे कि इफेक्टर्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे अपना फंक्शन प्ले करते हैं।
सो वी हैव टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन होता है, और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है, तीसरा इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो रिसेप्टर से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जबकि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, जो कि मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। जो भी मैसेज मिलता है ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को वो इंटरप्रेट करते हैं और वो इंटर न्यूरॉन्स करते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो वो मैसेज जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटरप्रेट हुआ है वो फिर लेके आते हैं फैक्टर्स तक, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहाँ से मैसेज इफेक्टर्स तक पहुँचाते हैं, और इफेक्टर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो गए। एंड देन वी विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल जिसमें इफेक्टर्स रिसेप्टर्स सब उसमें शामिल हैं। तो इस असलों में बेसिकली हमें यह स्टेट करना है कि रिसेप्टर्स स्टिमुलाई रिसीव करता है, ठीक है, उसके बाद फिर भेजता है इफेक्टर्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए। तो ये आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझ आएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टिमुलस होता है, आपके जो आइज हैं, आप जो देखते हो, क्या देखते हो, एक ऐसा वीडियो देखते हो जो कि फनी वीडियो है, ठीक है, तो वो आपके लिए स्टिमुलस है। तो फनी वीडियो क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या होता है, वो ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, ठीक है, वो स्टिमुलस कहलाता है। यह स्टिमुलस आप कहें कोई भी चेंज है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए कोई चेंज है, या ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रिस्पॉन्स इस एग्जांपल में कैसे प्रोड्यूस होगा वो आपको ईजिली समझ आएगा। आप जो है एक फ़नी वीडियो देख रहे हैं, यह फ़नी वीडियो आपके लिए एक स्टिमुलस है। आपके आइज़ देख रहे हैं, आपके आइज़ रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि आपके आइज़ देख रहे हैं और मैसेज आइज़ के ज़रिए मिल रहा है, ठीक है, आपको मैसेज मिल रहा है। हाँ, अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हैं तो फिर ईयर्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। हम चलें एक ऐसा फनी वीडियो की, ऐसी फनी वीडियो की बात करते हैं जो खाली देखने वाली है। तो रिसेप्टर्स आपके आइज हो गए। रिसेप्टर्स कौन होते हैं, रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं, वो टिश्यूज हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, वो लेते हैं, ठीक है, वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ, ठीक है, ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। और ब्रेन के अंदर मैंने जैसे कहा था वहाँ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, और रिले न्यूरॉन्स वहाँ पाए जाते हैं, और वो मैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे क्या मैसेज मिला है। और ब्रेन को पता लगा भाई कि ये एक फ़नी जो है एक मैसेज मिला है, और ये ब्रेन क्या करेंगे, इस मैसेज को ब्रेन ये करेगा कि एक बेसिकली इसको इंटरप्रेट करके इफेक्टर्स को एक मैसेज पहुंचाएगा कि ये एक फ़नी वीडियो है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ब्रेन ने मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन्स को, आपके स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को मैसेज भेजा कि भाई आप इसको क्या करो, हाँ हाँ रिएक्ट करो, रिस्पॉन्स दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाँ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वी रिएक्ट एंड वी हाँ हाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये एक रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो पहले आपके पास एक स्टिमुलस था, रिसेप्टर ने रिसीव किया, और सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि रिसेप्टर से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रिले न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम हमेशा रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज पहुंचाना होता है, रिले न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो हमेशा मैसेज को इंटरप्रेट करना होता है, और मोटर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज इफेक्टर्स तक पहुंचाना होता है। तो इफेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, हाँ मैंने स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल ली, ठीक है, इफेक्टर्स में ग्लैंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो सेक्रेट होते हैं वो ग्लैंड्स की वजह से होता है। तो ये एक नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम किसी ऐसे चीज़ को टच करते हैं जो कि सपोज़ करें कि कांटेदार चीज़ है, ठीक है, कांटेदार चीज़ है, तो आप उसको टच करते हैं, तो जो कांटेदार चीज़ है, एक फ्लावर है जो कि कांटेदार है, तो वो स्टिमुलस हो गया, और आपके जो फिंगर्स हैं वो टच करते हैं उस स्टिमुलस को। तो उस स्टिमुलस को जब टच करेंगे तो फिर आपके फिंगर्स के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बेसिकली स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और वो
और रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, रिसेप्टर्स का काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को डिटेक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, उसके बाद जो आगे मैसेज पहुंचाना होता है वो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, और सेंसरी न्यूरॉन ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पिछले एग्जांपल में सिर्फ हमने ब्रेन की बात की थी, क्योंकि ये एक आम जो है एक नॉर्मल सा था, इसमें बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना था, इसलिए ब्रेन के पास मैसेज पहले ही पहुंच गया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज नहीं मिला। इस केस में स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज मिलेगा सबसे पहले, क्यों मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि जो स्टिमुलस है वो एक डेंजरस स्टिमुलस है, अगर हम कांटेदार चीज़ को हाथ टच करेंगे तो अगर हम हमें पता नहीं होगा कि हाथ हटाना है तो इसलिए उसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है, टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, हमारा हाथ डैमेज हो सकता है, इसलिए सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज मिलना ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है हाथ को पीछे हटाने के लिए वो जल्दी आता है बनस्पत के ब्रेन के, ब्रेन से मैसेज आने में टाइम ज़्यादा लगता है। सो स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले मैसेज पहुंचना चाहिए, और स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करेगा, मैसेज अफेक्टर्स को, मसल्स को, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, इनको मैसेज पहुंचाएगा कि अपना हाथ हटाना है। तो सबसे पहले स्टिमुलस है, उसके बाद रिसेप्टर्स हैं आपके हाथ में, रिसेप्टर्स स्किन के ऊपर होते हैं, और रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद जो मैसेज है वो लेके जाएंगे कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज जो है वहाँ इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी ट्रांसलेशन होगी, जो कि रिले न्यूरॉन्स करेंगे, और उसके बाद फिर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, खासकर हम उसकी बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, मैसेज लेके आएगा मोटर न्यूरॉन, और अफेक्टर्स को बताएगा कि आपने हाथ हटाना है क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद आपके जो आपका जो ब्रेन है आपको फिर बाद में आपको मैसेज देता है कि भाई मामला एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है, आप पहले टच करते हैं, अचानक हटाते हैं, आपको उस वक्त पता नहीं चलता क्या हुआ था, बल्कि बाद में आपको पता लगता है कि आपको डैमेज कितना हुआ, कितना आपको पेन हो रहा है, वो बाद में पता चलता है, वो इसलिए बाद में पता चलता है क्योंकि ब्रेन से मैसेज बाद में आ रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपको सिर्फ इतना ही बता रहा होता है कि हाथ हटाना है, बस इतना ही, बाकी ब्रेन से कुछ सेकेंड्स बाद आपको पेन होने लगता है, वो ब्रेन से मैसेज आ रहा होता है बेसिकली, ठीक है, और वो मैसेज ब्रेन को बेसिकली इंफॉर्मेशन कौन देता है, वो स्पाइनल कॉर्ड देता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, कुछ जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो ब्रेन को मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि देखो ऐसा कुछ हुआ है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद कुछ सेकेंड्स बाद आपको फिर पेन होना लगता है और आपको फील होता है हुआ क्या था। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम इतना ही था कि वो अपने आपका जो हाथ था वो हटाना ही था, ठीक है, तो हटाने के हद तक ही उसका काम था, उसके बाद आपको फीलिंग्स देना वो ब्रेन का काम है, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, ये रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स, यही तो हमारा स्लो है, रिसेप्टर रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन टू अफेक्टर्स थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए अफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाते हैं। तो थर्ड जो एग्जांपल है ये, जब आप हाथ जो है अपने पॉकेट्स में हाथ डालते हैं और मोबाइल आपको वहाँ से निकालना होता है, आपके अगर पॉकेट में मोबाइल के अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपके बाइक के कीज़ हैं या कोई सिक्के आपके जेब में पड़े हुए हैं, तो आप जो है टच करके, ठीक है, फीलिंग फील करके टच करते हो और पता लगाते हो कि ये मोबाइल है, और आप मोबाइल को ही निकालते हो। अगर वहाँ पॉकेट भी है, ठीक है, मनी पॉकेट भी है, तो फिर वो आप नहीं निकालते हो, क्योंकि आपको मोबाइल उठाना है, तो आप टच करके आपको फील होता है कि ये मोबाइल है, और आप उसको वहाँ से निकालते हो। ये कैसे होता है, सबसे पहले आप जो है अपना हाथ पॉकेट में डालते हो, स्टिमुलस क्या है कि वो मोबाइल का टच है, ठीक है, मोबाइल का टच आप करने के बाद, टच करने के बाद जो डिटेक्ट करेगा आपके हाथ के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन को पता लगेगा कि हाँ भाई इस मोबाइल का जो टच है इस तरह का, वो पहले स्टोर हुआ होता है कि मोबाइल का टच कैसा होता है, उसका फीलिंग कैसी आती है, वो ब्रेन को पता होता है पहले से, तो ब्रेन जो है इंटरप्रीट करेगा हाँ वाकई वो मोबाइल का ही टच है, आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप किसी और चीज़ को टच करते हैं, पॉकेट को मिसाल के तौर पे आप टच करते हैं, तो ब्रेन इंटरप्रेट करके बताएगा आपके मसल्स को,
आपके फिंगर्स के अंदर मसल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और जो है वो फिंगर्स को बताएगा कि भाई देखो वो मोबाइल नहीं है, आपने वो नहीं उठाना, आप रखो, दोबारा से तलाश करो। और फिर जब आपका हाथ मोबाइल से टच होता है तो फिर उसके बाद रिसेप्टर्स उस मैसेज को डिटेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन से फिर मैसेज आता है आपके हाथ में, और हाथ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करके उसको निकालते हो। तो दिस इज़ हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन वर्क्स। और सबसे पहले रिसेप्टर्स मैसेज रिसीव करते हैं और वो भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मैसेज आता है अफेक्टर्स को, और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। कौन रिस्पॉन्स शो करते हैं? अफेक्टर्स। स्टिमुलाई कौन डिटेक्ट करते हैं? रिसेप्टर्स। और कौन उसको इंटरप्रेट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ इट ऑल अबाउट लेक्चर टू, एंड वी विल कंटिन्यू लेक्चर थ्री इन अपकमिंग वीडियोस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम लेक्चर थ्री में कवर करेंगे, एंड विद दिस वी आर डन विद लेक्चर टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन and share your feedback in comments below.